मैं हूँ शिवांजलि। आज हम देखेंगे चौरी, हरबरा और बटाटे का हेल्दी और टेस्टी बर्गर। आइए उसके लिए सामान देखते हैं क्या क्या लगेगा। उसके लिए सामान लगेगा चौरी, जो रात को भिगो के रखना है, हरबरा भी रात को भिगो के रखना है, फिर लगेगा बॉयल पोटैटो, एक टमाटो, नींबू, मिर्ची, धनिया और ये कड़ी पत्ता, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ये स्वाद अनुसार नमक। पहले इन दोनों को और बटाटे को बॉईल करके रहना है। चौरी और हरबरे में बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है कुकर में, सिर्फ 3 सीटी करके लेना है उसका। और इसको इन दोनों को मिला के इसमें ही मिर्ची, धनिया, कड़ी पत्ता डाल के मिक्सी में पीस लेना है। उसके बाद बॉयल पोटैटो मैश करना है इसके साथ और इसको कट करना है। इसमें मैं ऑलरेडी करके रखा है और इसमें ये सब मसाले थोड़े थोड़े मिक्स करने हैं अपने चौवी अनुसार। एक आधा स्पून जीरा पाउडर, आधा पूड धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्च, जितना हमको तीखी चाहिए। हमने उसमें हरी मिर्च भी डाली है, फिर धनिया और कड़ी पत्ता भी इसमें डालना है और इसको मिक्स करना है। और कट किया हुआ टमाटर, हो सके आपको पसंद है तो इसमें ही आप प्याज या कांदा भी डाल सकते हैं। एक तरफ मैंने पैन गरम करके रखा है, इसको डीप फ्राई नहीं करना, इसको सिर्फ शालो फ्राई करना है और ये हो जाते हैं 2 मिनट में। बस इसको बर्गर का आकार दे दो, गोल टिकिया जैसे बना दो और तवे पे रखो। मिनट के बाद ये अच्छे से हो गया है क्रिस्पी, देख लेना। थोड़ा मेरे से जल गया, डाल दो इसको। अब हम पाव गरम करेंगे। बटर डाल के थोड़ा सा पाव गरम करेंगे तो अच्छा लगेगा। अभी एक पाव गरम किया है, बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गया। उसके ऊपर थोड़ा चिली सॉस लगाएंगे, टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं आप। उसके ऊपर ये बर्गर रखेंगे, एक पाव रखेंगे तो हो गया ये रेडी हमारा बहुत टेस्टी, हेल्दी और गरम गरम बर्गर।